अंग्रेजी अच्छी भाषा है, मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी या कोई भी भाषा कितनी भी अच्छी हो सकती है, हिंदी से मीठी मेरे लिए नहीं हो सकती। वो बड़ी मनहर है। इसे यूं समझिए कि वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती। मेरी माँ सबसे सुंदर औरत है मेरे लिए। राष्ट्रधुन, राम धुन एवं युवा भारत की हिंदी धुन, इतनी चीजों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जैसे मैंने पहला बच्चों से बताया, तो राष्ट्रधुन तो इसलिए है कि आप जिस जगह पैदा हुए हैं, अगर उस पर आप गर्वित नहीं हैं या उसके विषय में सोचते नहीं हैं, तो उस मिट्टी को ये रहेगा कि मैंने कैसी संतानें पैदा की, आज आपकी पहचान क्या है। और यहाँ तो फिर भी आपकी कानपुर की पहचान है। कानपुर तो वैसे भी ज्ञानियों की जगह है, मतलब हर चौराहे पर ज्ञान उपलब्ध है, कानपुर में आप चले जाइए। और हाँ, मतलब कानपुर का आदमी बातचीत करते में आपको ये आभास करा देता है कि बोल लो पर पता हमें है। ये कानपुर की विशेष स्थितियां हैं। जैसे कानपुर का कोई आपका मित्र आपके यहाँ भोजन पे आया, आप उसे खाना खिलाओ, उसके बाद आप पान खिलाओ, तो वो पान खा तो लेगा, लेकिन वो एक बार ये जरूर कहेगा कि हमारे कानपुर में गुरु, तो वो बताना चाहता है कि तुमने जो खिलाया ये घास थी, पान हमारे यहाँ ही बनता है। ऐसे ही लड्डू के बारे में या किसी के बारे में। तो जैसे आप कनपुरिया होने पर गर्वित हैं, मंडी खुली बजाजा बंद झाड़े रहो कलेक्टरगंज, जैसे आप कानपुर के होने पर आपको अच्छा लगता है ना, अच्छा अच्छा लगता है हम कानपुर के हैं, कनपुरिया हैं। और आप ही को नहीं, दिल्ली में भी मैं देखता हूँ मीडिया हाउसेज में भी जो कनपुरिया हैं, एकदम अलग पता चलता है कि ये कानपुर के लोग हैं। जिस भी मीडिया हाउस के एंटरटेनमेंट सेक्टर की, जहाँ चाय वाय पीते हैं, जहाँ ऊपर कैफेटेरिया होता है, उसकी दीवारों पर अमूर्त चित्रकारी बनी हुई हो पीक से, तो पता चल जाता है कि कानपुर का डोमिनेंस ज़्यादा है, यहाँ कानपुर के लोग शाम को ज़्यादा आते हैं। तो जैसे आप गर्वित हैं कानपुर होने पर, ऐसे जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपका होना ना होना भारतीय होने पर निर्भर होगा। और देखिए, जब आप काम करते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ आपका परिवार काम करता है। आपकी क्या पहचान है? आपकी गली में किनकी बेटी है, किनका बेटा है, यही तो पहचान है, यानी कि आपके माँ बाप की वजह से है। गली के बाहर निकलते हैं तो क्या पहचान है? उस गली की, उस मोहल्ले की बच्ची है, उस मोहल्ले का लड़का है। मोहल्ले से आगे निकलते हैं, क्या पहचान है? ये कानपुर के लड़के हैं, कानपुर की लड़कियां हैं। जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, BHU जाएंगे, IIT जाएंगे, यहां से जाने के बाद क्या पहचान होगी? भारत की पहचान है। स्विट्जरलैंड की जो ट्रेन है उसमें पड़ोस में बैठा हुआ आदमी आपको कुर्ते पजामे में आपसे पूछता है कि फ्रॉम विच कंट्री यू आर, हम कहते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, वो मुस्कुरा कहते हैं इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये पहचान मैंने नहीं बनाई, मेरे घर में कोई इंजीनियर बड़े भाई के अलावा नहीं है, वो भारत में है, कोई डॉक्टर नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों लड़के लड़कियों ने बनाई जो दुनिया में गए और उन्होंने अद्भुत काम किया और ये प्रशंसा हासिल की इस देश के लिए। तो पहली तो हो गई राष्ट्रधुन, यानी कि आपका होना अगर आपके समाज को, आपके धर्म को, आपकी जाति को, आपके मोहल्ले को, आपके स्थान को और आखिर में आपके देश को गौरवान्वित नहीं करता, तो आपके होने में थोड़ी कमी थी, आप थोड़े कम हुए, मतलब प्रकृति ने आपको कच्चा ही उतार दिया, अगले जन्म में कभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पहली तो ये हो गई। और तीसरी है हिंदी की धुन। वो हिंदी इसलिए क्योंकि अंग्रेजी अच्छी भाषा है, मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी या कोई भी भाषा कितनी भी अच्छी हो सकती है, हिंदी से मीठी मेरे लिए नहीं हो सकती। वो बड़ी मनहर है। इसे यूं समझिए कि वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती। मेरी माँ सबसे सुंदर औरत है मेरे लिए। दूसरा प्रश्न, आपके लिखने के विषय बड़े भिन्न होते हैं, आप इनका चुनाव अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं या समाज की आवश्यकता के अनुसार करते हैं? दोनों स्थितियां हैं, समाज के अनुसार भी कई बार हो जाता है। जैसे कश्मीर, जब धारा 370 हटी और देश में एक माहौल विश्वास अविश्वास का सम्मिलित फैला, तो मुझे लगा कि लोगों को समझाना चाहिए कि कश्मीर और हमारा रिलेशन क्या है। तो मैं ये सोच ही रहा था कि कश्मीर महर्षि कश्यप की राजधानी है, ऋषि अगस्त की तपोभूमि है, अगस्त ने अपनी, सुनते हैं कि अपने मुक्के से पर्वतों को तोड़कर रास्ते बनाए थे कश्मीर में, ऐसा वहाँ कहानी है। शंकराचार्य का मंदिर है, सूफियों की लौ लगती है, ललदद और राबिया दो बड़ी कवित्री पैदा हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मुझे लगा जब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं तो इनको गीत में ढाल दिया जाए। तो मैंने कश्मीर पे गीत लिखा और वो मैंने गाया, वो पॉपुलर हो गया। उससे कश्मीरियों के मन में
बहुत सारे कश्मीरियों के मेरे पास मेल आए, फोन आए, कुछ लोग मिले भी दिल्ली में जिन्होंने मुझे बताया कि उसे सुन के अच्छा लगा, हमें लगा आप हमारे बारे में सोचते हो। बहुत सारे विषय तो ऐसे हैं जो अपने निजी हैं, अब वो निजी विषय धीमे धीमे समाप्त होते जा रहे हैं, मतलब समाप्त नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं, एक उम्र तक वो बहुत ज्यादा थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चा लिखता है, मैं अभी हाई स्कूल में हूँ, मैं हिंदी को राष्ट्र शक्ति के रूप में देखता हूँ, साहित्य में जाना चाहता हूँ, परंतु माता पिता की मानसिकता को कैसे बदलूं जो अंग्रेजी और गणित को ही महत्व देते हैं। आप नाम बता दो तो मैं इसके घर हो आऊं। देखो, वो मैथमेटिक्स आपको सिखाने के लिए कह रहे हैं तो जरूर सीखिए, मैथमेटिक्स बहुत आवश्यक है। आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए कह रहे हैं तो बहुत जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल इंटरेक्शंस में उसका बहुत योगदान है, आप दुनिया के किसी देश में जाएं तो बातचीत करने में सुविधा होती है। तो अंग्रेजी सीख लीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत सरल है, अंग्रेजी तो बहुत सीधी है, उसमें तो कुछ है थोड़ी। 5 अंग्रेजी बोलने वालों के साथ 20 दिन बैठो तो 21वें दिन आप ही बोलना शुरू कर देते। हाँ, हिंदी सीखने में थोड़ा श्रम लगता है, प्रतिभा लगती है, और संस्कृत सीखने में तो बुद्धि कौशल लगता है, वैज्ञानिकता लगती है। तो इसलिए इंजीनियरिंग हो, स्पेस साइंसेस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, उसके लिए निश्चित रूप से अंग्रेजी की जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसका विधि विधान है, वो आवश्यक है, और वो बहुत छोटी सी चीज़ है। बाकी ज़िंदगी चलाने के लिए अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा काम करेंगे, माँ बाप की चिंता सिर्फ आपकी आजीविका को लेकर रहती है। मेरे पिताजी को भी ये चिंता नहीं थी कि मैं इंजीनियर नहीं बना तो क्या होगा, उनको ये लगता था हिंदी में रोटी कैसे मिलेंगी, हिंदी में जिएगा कैसे, हिंदी में कैसे आगे काम कैसे चले, हिंदी के गीत पढ़ के कैसे आगे, कविता सुना के कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये उनको लगता था, संयोग से वो एक बैरिकेड टूटा है, हिंदी के लेखक इस समय समृद्ध है, हिंदी के कहानी लिखने वाले, उपन्यास लिखने वाले जितने नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनकी एक एक कहानी करोड़ों रुपए में बिक रही है, फिल्में बन रही हैं सब में। अगला प्रश्न है, कविवर, जब आप उन देशों में जाते हैं जहाँ उर्दू का चलन है, तो वहाँ के लोगों को अपनी हिंदी कविता की ओर आकर्षित करना कितना कठिन होता है? दोनों जबानें जो हैं उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, ये बात अलग है कि लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है। हमारे उर्दू के एक शायर रामपुर घराने के, उनका एक शेर है, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं, जबकि उर्दू और हिंदी ये दोनों हिंदुस्तान की ज़बानें। और मैं तो उस कानपुर में बैठा हूँ जहाँ उर्दू के शायर अंसार कंबरी ने हिंदी के अद्भुत गीत लिखे हैं। अंसार कंबरी का शहर है ये, उनके कविताओं में जो प्रतीक विधान है वो हिंदुओं के देवी देवताओं के हैं। क्या नहीं कर मैं सकता तुम्हारे लिए, शर्त ये है प्रिय कुछ कहो तो सही, मैं भगीरथ सा आगे ही आगे चलूं, तुम पतित पावनी सी बहो तो सही। ये अंसार कंबरी का शेर, अंसार कंबरी का शेर है कि अपनी हद में रह के देना दान हो या दक्षिणा, वरना तुमको वक्त का रावण उठा ले जाएगा। ये अंसार कंबरी का शेर है। तो उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं है, उर्दू और हिंदी में बस फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना, बस इतना सा फर्क है। तो कोशिश रहती है कि, और ये लोग लिखने लगे हैं अब, अच्छा लगता है मुझे। पाकिस्तान में इस समय कम से कम 5 शायर ऐसे हैं जो नाम के आगे कुमार लगाते हैं, कुमार अकरम, कुमार खुर्शीद, और अच्छा लिखते हैं वो, बहुत बढ़िया लिखते हैं, और वो हिंदी प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में भी उर्दू के लिखने वाले लोग जो हैं वो हिंदुस्तानियत के प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। हमारा बिल्कुल नया बच्चा, एक बम्बई के पास के सबर्ब का एक लड़का है, उसका शेर आप सुनिएगा कि बंशी सब सुर, जुबैर अली ताबिश, बंसी सब सुर साधे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। कितना अच्छा शेर है। तो हिंदी उर्दू में ऐसा कुछ है नहीं, राजनेताओं की लगाई हुई आग है, इसे हम लोग बुझा लेंगे। सर, हिंदुस्तान की वो कौन सी खासियत है जो आप हर देश में देखना चाहेंगे? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है कि भारत एक ऐसा विचार है जो एक एक कण में ईश्वर को मानता है। और हमारे धर्म के प्रचारकों को मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं, ईश्वर इन्हें थोड़ी वैज्ञानिकता दे, हम हजारों साल से कह रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है। और आश्चर्य हुआ कि अभी 2 साल पहले फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बात पर मिला कि वैज्ञानिक ने कहा कि हर कण में गॉड पार्टिकल होता है, जो दिखता तो है नहीं है पर है। यार यही बात तो कह रहा है वो, जिसको तुमने नोबेल पुरस्कार दे दिया वो क्या कह रहा है, वो गॉड पार्टिकल थ्योरी क्या है, मैं उसको पढ़ रहा था रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट को, वो कह रहा है कि साहब
ये एटम है, आप भी पढ़ते होगे ना एटम, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। एक चीज और है बोले, वो क्या बोले, वो गॉड पार्टिकल है, वो क्या बोले, दिखती नहीं है पर है। और हम क्या कह रहे थे, हम भी तो यही कह रहे थे कि हर कण में ईश्वर है, एक एक कण में। ईसा वास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, हम ये कह रहे थे। बट हमारी समस्या ये है, विदेश ने कह दिया गॉड पार्टिकल है तो हम मान गए, खुश हो गए। गांव की चौपाल पे बैठने वाले पंडित जी ने जब ये बात कही थी, हमें क्या, हमने कहा ये पंडित है इसे क्या पता, तो वैसे ही ज्ञान बांच रहा है। तो इसलिए जो कुछ भी स्वीकृत है दुनिया में, जो कुछ है, उसको स्वीकार करना सबसे बड़ी इको सेंसिटिविटी जिसके पीछे दुनिया आज भाग रही है, वो भारत में सबसे पहले। बिच्छू आपके यहां पूज्य है, कुत्ता आपके यहां पूज्य है, गधा वो भी पूज्य है, शीतला माता के दिन उसका भी पूजा करते हो आप। कोई चीज ऐसी नहीं है जो पूज्य ना हो आपके लिए। सबसे गंदी चीज छिपकली, गांव में वो आपके ऊपर गिर जाए, लड़कियों के ऊपर गिर जाती है हाथ पे, तो माँ क्या कहती है, इसे कंगन मिलेगा ससुराल में, क्योंकि माँ चाहती है कि छिपकली को मारा ना जाए, क्योंकि छिपकली इस फूड चेन का एक हिस्सा है, जो मच्छर को खाएगी, जो स्वच्छता करेगी। तो इको एक्सेप्टेबिलिटी जो है हमारी, पूरी दुनिया को स्वीकार करना, कोई पराया नहीं है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा घर है, ये सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान। और ये आ गया तो लड़ाई बंद हो जाएगी। सर अगला प्रश्न है, आपकी एक म्यूजिकल सीरीज श्रृंखला है तर्पण, ये किस प्रकार की श्रृंखला है? इसका बड़ा मजेदार प्रसंग है, ये बनी क्यों, इसका किस्सा ये है सर कि मेरी माँ एक दिन मेरी जन्मपत्री दिखाने गई किसी पंडित जी को। ये उन दिनों के बाद जब पॉलिटिकली थोड़ा टर्मोइल चल रहा था, हंगामा चल रहा था, तो मेरी माँ ने मुझे लौट कर कहा कि हमारे पितर शांत नहीं है, फोर फादर्स, और तुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। पंडित जी बता रहे थे कि जो पहले लोग गुजरे हैं ना, वो नाराज हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यार मेरे बाबा बहुत खुश थे मुझसे, मेरे पिताजी भी बहुत खुश हैं, ये नाराज कौन सा बूढ़ा हो गया। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ये जो कवि हैं जिनके नाम पर मैं खा रहा हूँ, जिनके नाम पर मैं रोज रात जाके तालियां ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, सम्मान ले रहा हूँ, ये शायद नाराज होंगे। तो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया और कहा कि भाई देश के सारे पुराने कवि, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, भारत भूषण, दिनकर, दुष्यंत, भवानी प्रसाद मिश्र, विद्यापति, इन सब की एक एक दो दो दस दस कई की दस, बच्चन साहब की, अरविंद शाह बच्चन जी की 10 कविता थी, धर्मवीर भारती जी की कविता है, इनको इकट्ठा करते हैं, इनको मैं गाता हूँ, इनका म्यूजिक तैयार करो, इनका वीडियो तैयार करो और इन्हें छोड़ दो ताकि दुनिया गा सके। भाई कवि को क्या चाहिए मरने के बाद, उसे लोग सुने। तो सचमुच मैंने चमत्कार देखा, उस दिन के बाद से पितर प्रसन्न हो गए और काम सही चल रहा है, अब ठीक चल रहा है। सर जब आपको किसी कविता को लिखने में कोई समस्या आती है तब आप उसका समाधान कैसे करते हैं? कभी नहीं करना चाहिए कविता लिखने की कोशिश, कभी नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में कवि है वर्ड्सवर्थ, उनकी एक कविता है डैफोडिल्स, आप जरूर पढ़िएगा, आपके कोर्स में वा व्हेन आई ले वैकेंट ऑन माय कोच है ना, पढ़िए ना आपने। तो वो कवि जब अनुभव कर रहा होता है उस चीज को, वो तब कभी ना लिखे, कभी ट्रैंक्विलिटी में वो माहौल बने। मेरी लगभग ऐसी कुछ नहीं तो 400-500 कविताएं हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं पूरी, जिनकी 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है। वो जो लग के कविता बनाना है कि मुझे पूरी करनी है, वो बड़ा कचरा पैदा करता है, वो बहुत ही खराब काम है। मतलब वो अपार्टमेंट बनाने जैसा है, बिल्डिंग खड़ी कर दो, अपार्टमेंट बना दो। और कविता लिखना ताजमहल बनाने जैसा है, आराम से बनती है, धीमे धीमे बनती है, वक्त लगता है। तो ज़बरदस्ती नहीं लिखनी चाहिए। हमारे रीतिकाल के कवि हुए घनानंद, वो भी शायद आपके कोर्स में होंगे, घनानंद, उनकी एक कविता है आपके कोर्स में होगी, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, लोग हैं जो लग के कविता बनाते हैं, मोहे तो मोरे कवित्व बनावत, मेरी कविताएं मुझे बनाती हैं। अंतिम प्रश्न है जी, आपको अपनी रचनाओं में कौन सी सर्वप्रिय है और क्यों? अभी लिखी नहीं गई है वो अभी लिखी, अब तक की लिखी हुई रचनाओं में सर जिस कविता की आप कह रहे थे वो मुझे बहुत अच्छी लगती है नंबर उनको अच्छी लगती है। एक कविता मैंने लिखी थी एक छोटी बच्ची के ऊपर, एक तलाकशुदा परिवार की एक छोटी बच्ची, मैं जब पढ़ाता था गवर्नमेंट कॉलेज में तो 4 साल की एक बच्ची आ जाती थी हमारे घर पे खेलने, उस पर मैंने कविता लिखी थी मध्यंतिका, जो कोई दीवाना कहता है मैं है, वो बहुत अच्छी लगती है और अभी लिखी नहीं गई है। मतलब ये देखिए दो बातें मुझे जो साहित्यकार बैठे हैं उनसे साझा करनी है।
मेरे से बढ़िया लिखने वाले आ चुके हैं और मैं उनके साथ पढ़ रहा हूं, वो मुझसे बेहतर लिख रहे हैं, और ये बच्चे जब लिखेंगे हम दोनों पीढ़ियों से अच्छा लिखेंगे, क्योंकि इनका अनुभव और विराट होगा। क्योंकि एक बात हमारे टीचर्स भी समझ लें और पुराने लोग भी समझ लें, और इस पर आपकी तालियां उठें इनकी चाहे कम उठें, जो पेड़ नए पत्तों की अगवानी से इंकार कर देते हैं उन पर बसंत नहीं आता, वो ठूंठ बन के खड़े रहते हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। ऐसे पेड़ों पर कोयल नहीं बैठती, गिद्ध बैठता है और कौए बैठते हैं।